बस आज जो हमारा टॉपिक है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, आधारीय चयापचय दर। हिंदी में इसको हम कहते हैं बोलेंगे आधारीय चयापचय दर। आज हम ये सीखेंगे कि ये क्या है। इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में कि बीएमआर क्या है, वो जल्दी से नहीं समझ में आ पाता है। तो आज मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये समझाने जा रही हूँ कि व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीएमआर, जो हम सिंपल भाषा में यूज करते हैं उसे कहते हैं कि बीएमआर कितना है, बीएमआर क्या है। ठीक है, तो यही है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट या आधारीय, बेसल मीन्स आधारीय मेटाबॉलिक चयापचय एंड रेट दर। तो आधारीय चयापचय दर क्या होती है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो देखिए जो यहाँ लिखा है शरीर के जीवित रहने के लिए, बहुत सिंपल है, शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा, न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाले चयापचय को ही बीएमआर कहते हैं। राइट, यानी कि शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम, यानी कि बहुत कम जो शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाले चयापचय को ही हम बीएमआर कहते हैं। इसे हम सिंपल हम यानी कि ये भी समझ सकते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए जो बहुत कम मात्रा में जो शक्ति की आवश्यकता होती है और उसके लिए जो मेटाबॉलिक कार्य होते हैं उन कार्य को, ठीक है, उस दर को हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ये वो ऊर्जा है जो हमें बहुत ही कम चाहिए होती है, यानी कि जैसे एक ऊर्जा हम पढ़ते हैं कि पूरा दिन में हमें कितनी कैलोरी चाहिए होती है, कितना ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो अकॉर्डिंग होता है पर्सन टू पर्सन कि किस एज ग्रुप का पर्सन है, कितना हाइट है, कितना उसका वेट है, ये सब वो हो गई अलग ऊर्जा। ये है जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए है। तो यानी कि और सिंपल हम समझने की कोशिश करते हैं, जो आधारित चयापचय दर क्या होती है, तो जब कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में होता है, जब कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में होता है, विश्राम यानी कि लेटा हुआ होता है, वो कोई कार्य नहीं कर रहा होता, मीन्स कोई कार्य नहीं कर रहा होता, केवल वो लेटा हुआ है, भले ही वो जगा हुआ है, वो निद्रा की अवस्था में नहीं है भले ही, लेकिन लेटा हुआ है, वो कोई भी काम हाथ पर चलाने का कार्य, इस तरह को कोई कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि ये समझिए कि वो एक निद्रा वाली अवस्था में है। तो कोई व्यक्ति जब विश्राम की अवस्था में होता है वो कोई कार्य नहीं कर रहा होता और उसे खाना खाए हुए 12 घंटे हो चुके हैं और जो क्रियाएं लग रही, जो हमारे अंदर शरीर में क्रियाएं हो रही है, जैसे दिल का धड़कना, डाइजेस्टिव सिस्टम का चलना, ठीक है, यानी कि जो भोजन हमारे शरीर में है उसका डाइजेस्ट होना, वो तो हमें पता नहीं चलता, राइट, लेकिन उसमें भी तो ऊर्जा लग रही है ना, गुर्दों से गुर्दे के जो कार्य है, ठीक, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी ऊर्जा लग रही है, दिल हमारा धड़क रहा है, उसमें भी क्रिया हो रही है, हम लेटे हुए भी सोते हुए भी सांस तो ले रहे हैं ना, तो सांस लेने में भी ऊर्जा खर्च हो रही है। इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, जो लगने वाली ऊर्जा है, ये जो जिन कार्य का हमें पता नहीं चलता है, आंतरिक हमारे शरीर में निरंतर चलते रहते हैं बिना रुके, इनमें जो क्रियाएं लगती हैं उस दर को हम क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। राइट, एक बार और दोबारा से मैं समझाती हूँ, जब कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में होता है, कोई कार्य नहीं कर रहा होता और उसे खाना खाए हुए भोजन किए हुए 12 घंटे हो चुके होते हैं और जब निरंतर जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, गुर्दों का कार्य है, दिल का धड़कना है, सांस के क्रियाएं हैं,
तो इन सब में लगने वाली जो ऊर्जा है उसे हम पैसिव मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। सर क्लियर?